हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोना चांदी किस दिन खरीदना चाहिए, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस दिशा में रखना चाहिए ताकि आपको इसका शुभ फल मिल सके। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, आपको भी इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसे गुरुवार और रविवार के दिन खरीदें। सप्ताह में गुरुवार और रविवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से बहुत फायदा मिलता है। कुंडली में गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह की स्थिति है वो मजबूत हो जाती है अगर आप इस दिन सोना खरीदते हैं। इस दिन सोना खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है, घर में बरकत होती रहती है। सोना है वो सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सूर्य और शनि में शुत्रता का भाव है। इसीलिए आप बोलकर भी शनिवार के दिन सोना ना खरीदें। शनिवार के दिन सोना खरीदने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे शनि देव क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको इनका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अक्षय तृतीया आती है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, उस दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो पुष्य नक्षत्र होते हैं वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं, उन दिनों भी आप सोना खरीद सकते हैं, और ये हर माह आते रहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप सोना चांदी के गहने अगर आपके घर में हैं तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। घर की दक्षिण दिशा में आपको कभी भी सोना चांदी के जेवर नहीं रखने चाहिए। वास्तु में यह दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है, इसीलिए इस दिशा में सोना चांदी जैसी कीमती जेवर रखने से घर में बुरी शक्ति आ सकती है। साथ ही धन लाभ की जगह धन हानि ज्यादा हो सकती है। माना जाता है कि जो लोग घर की दक्षिण दिशा में जेवर रखते हैं, यानी कि सोने चांदी के गहने रखते हैं, तो उनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में ए लक्ष्मी आ जाती है, यानी लक्ष्मी की बहन ए लक्ष्मी आ जाती है, जिससे आपको धन संबंधी हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप कभी भी टूटे हुए बॉक्स में सोने चांदी के जेवर ना रखें। सोना चांदी रखने के लिए आप अच्छे बॉक्स का इस्तेमाल करें जो टूटा हुआ ना हो, और साथ ही साफ सुथरा होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूजा घर में सोने चांदी के गहने रख देते हैं, आप ये गलती ना करें। कभी भी पूजा घर में सोने चांदी के गहने ना रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी दिशा में इन्हें रखें ताकि हमको शुभ फल प्राप्त हो, तो आप सोने चांदी के जो गहने हैं उन्हें उत्तर और पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिशा में सोने चांदी के गहने रखने से घर में धन की बरकत बनी रहती है, घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनका आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है, जिसकी वजह से धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही घर की उत्तर दिशा में गहने आप रखते हैं तो वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में जेवर रखने से कोई बुरे परिणाम तो नहीं होते, लेकिन जो उत्तर दिशा है वो ज़्यादा शुभ मानी जाती है, इसीलिए आप उत्तर दिशा में ही इन्हें रखें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।